हेलो एवरीवन, हम लोग लॉ ऑफ टॉट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेसपास टू पर्सन क्या होता है। ठीक है, ट्रेसपास का मतलब होता है अनलॉफुली आप किसी के को परेशान करना। ठीक है, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी होता है, ट्रेसपास टू पर्सन होता है। प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं ट्रेसपास टू पर्सन क्या होता है। तो देखिए, ट्रेसपास टू पर्सन तीन तरीके से होता है। पहला होता है असॉल्ट, दूसरा होता है बैटरी, तीसरा होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे कि आखिर असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि असॉल्ट क्या होता है। तो देखिए, असॉल्ट क्या होता है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट विच कॉजेस टू द प्लेंटिव अ रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी ऑन हिम बाय द कंडक्ट ऑफ डिफेंडेंट। असॉल्ट का सीधा सीधा मतलब होता है आपको डराना। ठीक है, मान लो आप सीधे रोड पे चले जा रहे हैं और आपके सामने एक लड़का हॉकी लेके आपकी तरफ दौड़ते हुए चला आ रहा है, समझ रहे हैं, और उसकी आंखों से आपको देख के लग रहा है कि कुछ सेकंड बाद ये हॉकी सीधा मुझ में मार देगा। ठीक है, हिट कर देगा। तो जो आपके दिमाग में, जो आपके माइंड में अप्रिहेंशन हुआ है, जो आपके माइंड में फियर जनरेट हुआ है, वो होता है उस समय को बोलेंगे कि आपके साथ असॉल्ट हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बॉब रेजेस हिज फिस्ट एंड थ्रेटन्स टू पंच एलिस इन हिज फेस। ही मूव्स टुवर्ड्स हिम एग्रेसिवली क्रिएटिंग अ रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ इमीडिएट। देखिए क्या होता है, पहली बात तो आपके सामने ऐसा कुछ एक्ट होना चाहिए जिसके बाद आपके माइंड में रीजनेबल अप्रिहेंशन हो कि आपके ऊपर हार्म होने वाला है। ठीक है, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो हार्म इमीडिएट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपसे कॉल करके बोल रहा है कि सुनो 10 मिनट में हम आते हैं, फिर बताते हैं तुमको, तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें इमीडिएट नहीं है, जो फोन कर रहा है वो आपके सामने नहीं है। ठीक है, इसमें असॉल्ट नहीं होगा, इसका जो केस है वो मांगे देखते हैं। अभी देखिए, आपके सामने इमीडिएट मतलब आपके सामने कोई हॉकी लेके खड़ा है और फिर बोल रहा है कि मैं अभी 2 मिनट में तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, तो वो क्या है, आपके जस्ट सामने, आपके सामने इमीडिएट थ्रेट है, तो वो क्या तक कहलाता है, असॉल्ट। ठीक है, इट इज टू नोट दैट जो नोट्स बना रहे हैं वो प्रॉपर पीपीटी पे भी जो लिखा है उसको वीडियो पॉज करके रोक के वो सारा कुछ देख ले, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट विथ एग्जाम्पल अपनी कॉपीज में नोट कर ले। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टॉट ऑफ असॉल्ट फोकसेस ऑन द रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ हार्म। इसको ध्यान से पढ़िए, फोकस इज ऑन रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ हार्म रेदर देन द एक्चुअल कॉन्टेक्ट ऑफ फिजिकल और इंजरी। असॉल्ट कब तक है, जब तक व्यक्ति आपको टच ना करे, आपके यहाँ तक मतलब आपके यहाँ चीक्स तक भी अगर हाथ या हॉकी या कुछ भी लेके आता है तब तक वो असॉल्ट ही माना जाएगा, इसमें फिजिकल टच नहीं होता है। ठीक है, असॉल्ट में कभी भी फिजिकल टच नहीं होता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं असॉल्ट के, एक्ट विद इंटेंशन टू क्रिएट हार्म, आपको ऐसा एक्ट किया जाए जिससे आपको लगे कि आपको हार्म होने वाला है। ठीक है, दूसरी वाले बात है रीजनेबल अप्रिहेंशन, दूसरा जो एसेंशियल है वो है रीजनेबल अप्रिहेंशन, मतलब इतना जीन्योन तरीके से हो, वो इतना आपको बिलीव हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो खेलता हुआ चला आ रहा है हॉकी से फिर आपको लग रहा है कि वो मार देगा, नहीं, वो प्रॉपर आंखें दिखाते हुए और हॉकी हाथ में लेके तेजी से आपको घूरता हुआ चला आ रहा है, आपके दिमाग में बिल्कुल फैक्ट है कि ये किसी भी सेकंड मुझ में वो हॉकी हिट कर देगा, मतलब 100% श्योर आप कि आप मुझ में हॉकी लगने वाली है, दैट इज अप्रिहेंशन। ठीक है, बिल्कुल 100% अप्रिहेंशन। उसके बाद होता है इमीनेंट हार्म, जो पर्सन हॉकी लेके सामने खड़ा है उसको इमिनेंट थ्रेट मतलब वो आपके इतना सामने है कि किसी भी समय वो आपको मार सकता है उस हॉकी से। मैंने जैसे बताया कि वो फोन करके बोल रहा है कि सुनो मैं आ रहा हूँ फिर मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई इमिनेंट नहीं है, इसमें आपके पास रिकोर्स है कि आप कुछ भी एज अ रिकोर्स ले सकते हैं बचने के लिए, इमिनेंट थ्रेट नहीं है उसमें। ठीक है, तीन एसेंशियल है। अब हम एक एक करके असॉल्ट के केसेस देखेंगे। जो पहला केस है स्टीवंस वर्सेस मेयर्स, क्या होता है इसमें, डिफेंडेंट रेज अ स्टिक एंड थ्रेटन टू स्ट्राइक अ क्लेमेंट हॉर्स, जो क्लेमेंट है उसके घोड़े की तरफ डंडा उठा के डिफेंडेंट आता है। द कोर्ट हेल्ड दैट अ क्लेमेंट अप्रिहेंशन ऑफ इमिनेंट हार्म वाज रीजनेबल एंड द डिफेंडेंट एक्शन। अब जैसे आपका कोई पालतू है और उसके लिए कोई डंडा उठा के सीधा चला आ रहा है और गुस्से गुस्से में, देखो रेज अ स्टिक एंड थ्रेटन्स, तब उसे दिखा के हिलाता है स्टिक कि हम मार देंगे आपके घोड़े को, तो कोर्ट क्या कहता है कि इसमें अप्रिहेंशन हुआ था, इमिनेंट हार्म भी था, इंटेंशन भी थी उसको बोलने की कि उस तरीके से दिखा रहा था डिस्पाइट नॉट डायरेक्टली थ्रेटनिंग द क्लेमेंट हिमसेल्फ। तो इसमें जो है असॉल्ट टू पर्सन में, या जो पर्सन के लिए ट्रेसपास होता है उसमें पर्सन
और टू हिज प्रॉपर्टी, लाइक जो पर्सन है उसके लिए, भले वो डायरेक्टली उसके लिए ना हो बट उसका जो पेट है उसके लिए है, फिर भी वो असॉल्ट टू ट्रेस्पास टू पर्सन में आएगा और ये असॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, दूसरा केस था आर वर्सेस सेंट जॉर्ज का, क्या हुआ था इसमें, द कोर्ट हेल्ड दैट पॉइंटिंग अ लोडेड गन एट अनदर पर्सन। अब आप किसी के पास लोडेड गन आपके उसके सर पर रखते हैं, वो उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, कोर्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इवन इफ द गन वॉज नॉट लोडेड इट वॉज, अब आपके सिर पे कोई बंदूक रखे चाहे वो खाली हो या भरी हो, विथ इंटेंशन आपको दिखाए डराए कि देखिए मैं मार दूंगा, तो आपको यही लगेगा कि गन इज ऑलरेडी बीन लोडेड। ठीक है, तो इसमें भी जो इंजरी जो असॉल्ट होगा, जो आपके दिमाग में अप्रिहेंशन आएगा कि किसी भी टाइम वो गन शूट कर सकती है मुझे, ठीक है, वो अप्रिहेंशन है आपके माइंड में, तो वो कंसिडर किया जाएगा असॉल्ट। तीसरा केस है इसका हॉपर वर्सेस रीप का, इट वॉज स्टेब्लिश दैट इफ अ पर्सन इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑन अ चेयर एंड समवन पुल्स द चेयर अवे एन असॉल्ट ऑकर एज लॉन्ग एज द पर्सन इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इन द ग्राउंड, वंस द पर्सन कॉन्टेक्ट द ग्राउंड द ऑफेंस इज, देखो असॉल्ट और बैटरी का एक सीधा बता देता हूँ, बैटरी हम आगे पढ़ते हैं। असॉल्ट क्या है, जब तक आप फिजिकली टच नहीं होते, जैसे आप पे टच हो जाता है वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है। होपर वर्सेस रीप के केस में क्या हुआ, आप लोगों ने बहुत बार क्या होगा अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो कुर्सी पे बैठने जाता है और पीछे से कुर्सी खींच देते हैं, ठीक है, तो जिस टाइम पे वो गिर रहा है नीचे वो असॉल्ट है, जैसे वो ग्राउंड पे टच होगा वो बैटरी। अब हम मूव करेंगे कि बैटरी क्या होता है, ऑलवेज रिमेम्बर असॉल्ट के बाद बैटरी आती है, ये हर बार नहीं होता है, कई बार असॉल्ट के बिना भी बैटरी होती है, लेकिन अगर बैटरी हुई है तो पहले असॉल्ट होगा नहीं होगा ये सरकमस्टांस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कोई पीछे से चला आ रहा है आपके पीछे से टपली मार के चला जाता है, इसमें तो आपको पता ही नहीं चला कि असॉल्ट हुआ था कि नहीं, सीधा आपको बैटरी हुई है, तो हम पहले आपको समझाते हैं कि बैटरी क्या होता है। द टॉट ऑफ बैटरी कंसिस्ट इन इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विथआउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन फॉर द एक्ट व्हेन अ पर्सन कम इन अ फिजिकल कॉन्टेक्ट और टचेस। अगर जैसे असॉल्ट में क्या था कि आपको केवल डरवाया जा रहा था, आपके दिमाग में डर बनाया जा रहा था बट आपको टच नहीं किया जा रहा था, बैटरी में उल्टा होता है, बैटरी में वही होता है लेकिन एक और चीज एड ऑन हो जाती है, क्या कि आपको टच किया जाता है, आपके साथ फिजिकल टच होता है, बैटरी ऑन द स्पॉट लग जाती है। ठीक है, एसेंशियल क्या होते हैं बैटरी के, ठीक है, देयर शुड बी द यूज ऑफ सम फोर्स, किसी भी प्रकार का फोर्स आपके ऊपर यूज होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल टच हो या आपके ऊपर हॉकी मारना हो या गन से शूट। ठीक है, दूसरा है कि उसको जो वो फोर्स यूज हुआ है, जो आपके ऊपर फोर्स यूज हुआ है उसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं, समझ रहे, लीगल जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है उस फोर्स का। ठीक है, आगे देखते हैं यूज ऑफ फोर्स, द टॉट ऑफ बैटरी रिक्वायर्स यूज ऑफ फोर्स, इट मे बी ट्रेवल इन नेचर और डज नॉट कॉज एनी हार्म, द रॉन्ग इज स्टिल कंटिन्यू, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फिजिकल टच इज देयर, द यूज ऑफ फोर्स विद अ स्टिक, ऐसा कि नहीं है कि जो आपको सामने मार रहा है वो अपने हाथ से आपको टच करे, हो सकता है वो आपको स्टिक से टच करे, हॉकी से टच करे, किसी भी चीज से टच करे, ठीक है, आपको टच होना चाहिए उस स्पोर्ट्स में। केस लिखिए कोल वर्सेस टर्नर, इसका केस क्या था, द लीस्ट टचिंग ऑफ अनदर पर्सन इन एंगर इज हेल्ड बैक, गुस्से में एक दूसरे को ऐसे धक्का मार देना या टच कर देना, वो भी क्या हुआ था, बैटरी हेल्ड हुई थी इस केस में। द टॉट ऑफ बैटरी रिक्वायर्स यूज ऑफ फोर्स एंड मेयर पैसिव ऑब्स्ट्रक्शन, देखिए इनिस वर्सेस बायलेस के केस में क्या होता, वायलेस के केस में क्या होता था, गार्ड अनलॉफुली प्रिवेंटेड द प्लेंटिफ फ्रॉम एंटरिंग क्लब, गार्ड था उसने ऐसे नॉर्मल टच करके बोला कि भैया आप क्लब नहीं जा सकते, तो इसमें क्या था, ये कोई वो नहीं था ऑब्स्ट्रक्शन नॉर्मल वाला, तो इसको बैटरी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ना असॉल्ट ना बैटरी, और ये भी नहीं कि आप बस में चले जा रहे हैं आपको लोग टच होते जा रहे हैं तो आप कह देंगे नहीं नहीं हम पे तो बैटरी हो गई, हमें तो सीट पे नहीं जाने दिया, तो ये ट्रिवल जो एक्ट होते हैं उनको बैटरी कंसिडर नहीं किया जाता है विथाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, जो फोर्स यूज हो रहा है उसका कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, द फोर्स यूज मस्ट बी विथ इंटेंशन एंड विथाउट लीगल जस्टिफिकेशन, आपके ऊपर जो आप जैसे कोई आया खेल खेल में, ऐसे नहीं ऐसे हंसी हंसी में मार दी चांटा, वो नहीं, आपको विथ इंटेंशन कि नहीं मैं आपको चांटा मारूंगा आपको हॉकी मारूंगा, उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, फोर्स यूज किया है, वो होता है बैटरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीजे हॉल्ट, इफ टू और मोर पर्सन मीट इन अ नैरो पैसेज एंड विदाउट एनी वायलेंस और डिजाइन ऑफ अ हार्म, वन टचेस, जो मैंने अभी बताया था कि नॉर्मल आप बस में चले जा रहे हैं, सकरा रोड है, छोटा सा रोड है, नैरो रोड है, टच हो गए, वो बैटरी कंसिडर नहीं किया जाएगा।
यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए, विद इंटेंशन होना चाहिए, और उसका कोई फॉर लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट केस है ग्लैडस्टोन वर्सेस ग्लैडस्टोन का केस, में क्या हुआ था, द कोर्ट एम्फसाइज द अक्यूज गिल्ट द इंटेंशनल एक्ट फ्रॉम हिज पार्ट द यूज ऑफ फोर्स बाय अक्यूज टू फीड द हंगर स्ट्राइक प्रिजनर कॉन्स्टिट्यूटेड अ वैलिड डिफेंस एंड इंजरी सस्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंडक्ट दैट वॉज एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेट। ठीक है, आगे चलते हैं, बैटरी के कुछ और केस देखते हैं, जिसे स्टैनली का केस होता है। तो पॉवेल हु वाज अ मेंबर ऑफ अ शूटिंग पार्टी फायर्ड एट अ पेजेंट बट द पेलेंट फ्रॉम हिज गन ग्लांसेस ऑफ अ ट्री एंड एक्सीडेंटली, अब क्या होता है, गन वो फायर करता है, ट्री में टकराती है और वापस दूसरे पर्सन में लग जाती है। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज नॉट लाइबल, क्योंकि यहाँ इट वॉज नॉट विलफुल, इट वॉज नेग्लिजेंटली डन। ठीक है, नेक्स्ट केस है प्रताप दाजी वर्सेस बीबी, द प्लेंटिफ एंटर्ड अ कैरेज ऑन द डिफेंडेंट्स रेलवे बट बाय ओवरसाइट ही फेल्ड टू परचेज द टिकट ऑफ द कैरेज एट एन इंटरमीडिएट स्टेशन ही वाज आस्क्ड टू गेट आउट ऑफ द कैरेज एंड ही रिफ्यूज ऑन रिफ्यूजल फोर्स वाज यूज्ड। इसमें क्या है, आपके पास लॉफुल फोर्स यूज हुआ है, ठीक है, इसमें आपके पास लॉफुल, क्या आपके पास टिकट नहीं था तो आपको निकाल दिया गया, जिसमें बैटरी नहीं होगी। तीसरा केस है पिकेडर वर्सेस के, इट वॉज हेल्ड एट मद्रास हाई कोर्ट दैट पुटिंग हैंडकरचीफ ऑन द अंडर ट्रायल प्रिजनर एंड देन चेनिंग हिम लाइक अ डेंजरस एनिमल इन अ हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इज अ यूज ऑफ फोर्स विदाउट लीव। अभी देखिए, आप कोई प्रिजनर को लेके जाते हैं मेडिकल, वहां उसको चेन से भी बांध के रखते हैं, उसको हथकड़ी भी लगाते हैं, तो उसमें लॉफुल जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है एक्स्ट्रा फोर्स यूज करने का, इसलिए ये माना जाएगा बैटरी। इसी केस में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है असॉल्ट और बैटरी में। तो डेफिनेशन, ये जो चार्ट बना हुआ है, सब लोग या तो रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, या फिर नोट कर सकते हो, वो ज्यादा देर तक मेमोरी में रहेगा। ठीक है, देखिए, तो डेफिनेशन क्या है असॉल्ट और बैटरी में, डिफरेंस की है, देखते हैं। असॉल्ट रिफर्स टू द इंटेंशनल एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ इमीडिएट हार्म और ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट इन अनदर पर्सन माइंड। इसमें केवल माइंड होता है, इमीडिएट थ्रेट होता है, बल्कि बैटरी क्या बोलता है, इंटेंशनल है, हार्मफुल है, इसमें क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एसेंशियल, असॉल्ट प्राइमरली फोकसेस ऑन द मेंटल स्टेट, आपको मेंटली डरवाता है असॉल्ट, और फिजिकल फिजिकल टच क्या होता है, बैटरी। इसमें मेंटल अप्रिहेंशन जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें टच होना, बॉडीली स्टेट पे हैम्पर होना इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स देखिए, द एलिमेंट इंक्लूड द इंटेंशनल एक्ट, द रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ इमीडिएट हार्म एंड द एब्सेंस ऑफ कंसेंट। बैटरी में द एलिमेंट्स इंक्लूड इंटेंशनल फिजिकल कॉन्टैक्ट, लैक ऑफ कंसेंट एंड रिजल्टिंग हार्म और ऑफेंस कॉज टू द विक्टिम। एग्जाम्पल दो, थ्रेटनिंग गेस्चर, रेजिंग अ फेस, हाथ उठाना, आंखें घुमाना, गुस्सा दिखाना, आंखें दिखाना, और बैटरी में पंच करना, किक करना, स्लैप करना, ठीक है, ये सब होता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जो होता है ट्रेसपास टू पर्सन का, जो है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। आपको गलत तरीके से इम्प्रिजनमेंट किया जाए बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन देखिए क्या कहता है प्रॉपर डेफिनेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेन ऑफ सम पीरियड, पीरियड कितना, सम पीरियड इतना डिफाइंड नहीं है, अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के अगर आपको किसी, आपकी लिबर्टी हैम्पर की जाती है, आप किसी तरीके से रिस्ट्रेन किया जाता है, तो वो कहलाया जाता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इसके दो असेंशियल है, टोटल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, समझिए। आगे चलते हैं, टोटल रिस्ट्रेन से आप क्या समझते हैं, तो टोटल रिस्ट्रेन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, चाहे टोटल हो या पार्शियल हो माना जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वही हम लॉ ऑफ टॉर्ट में आते हैं तो इसमें क्या होता है, टोटल रिस्ट्रेन ही होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो आप चौराहे पे खड़े हुए हैं और आपको एक रोड बंद है लेकिन तीन रोड खुले हुए हैं, क्या आप तीनों से जा सकते हैं, फिर आप नहीं बोलेंगे कि भैया मेरे साथ टॉट कमिट हो गया, मैं फॉल्स इंप्रिजनमेंट मैं सू करने वाला हूँ, नहीं बोल सकते, क्योंकि आप चौराहे पे खड़े हुए हैं, आपका केवल एक ही रोड बंद किया गया है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक रोड बंद है, लेकिन तीन रोड जो खुले हैं तो आप फॉल्स इंप्रिजनमेंट का नहीं ला सकते, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट में रिस्ट्रेन टोटल होना चाहिए ना कि पार्शियल होना चाहिए। इसमें एक लैंडमार्क केस है बर्ड वर्सेस जोन्स का, द प्लेंटिफ वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द पुलिस फ्रॉम क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ पब्लिक रोड व्हिच वाज क्लोज ड्यू टू द बोट रेस, बोट रेस चल रही थी,
एक रोड का एरिया बंद था, पुलिस ने आपको रोका कि आप नहीं जा सकते, लेकिन आप तो कह रहे नहीं नहीं हम तो जाएंगे, फिर केस डाल देते हैं आप, तो केस में ये होता है कि आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है, आपको किसी एक रास्ते से रोका गया है, ना कि आपको वहां जहां आप जा रहे हैं वहां जाने से रोका गया, इसलिए ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट टोटल रिस्ट्रेन, टोटल रिस्ट्रेन का केस देखिए, मी वर्सेस क्रूस्टनैंग का। इसमें क्या होता है, प्रिजनर आफ्टर द एक्विटल वाज टेकन डाउन टू सेल एंड डिटेन्ड देयर फॉर फ्यू मिनट्स व्हाइल क्वेश्चंस वर पुट ऑन हिम बाय द वार्डर्स दैट वाज हेल्ड टू बी फॉल्स। अब आपको जब छोड़ दिया गया है, आपको जब एक्विट कर दिया गया है, फिर भी आपको प्रिजन में रखा हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए, जो कि लॉफुल जस्टिफाइड नहीं था फैक्ट के अनुसार केस के, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना गया। अब मीन्स ऑफ एस्केप देखिए, अगर आप एक बिल्डिंग में हैं, आग लगी हुई है, लेकिन आपके पास एक विंडो है, बाहर से ताला पड़ा हुआ है, आप बंद है उसके अंदर, लेकिन एक खिड़की है जिसको खोल के आप बाहर कूद के बच सकते हैं, या बिना आग लगी आपको किसी ने बंद कर दिया, किडनैपर ने मान लो आपको बंद कर दिया है, क्रिमिनल में नहीं जाना है हमें, हम बस ये देख रहे हैं कि बंद होना या ना होना क्या है, तो आपको किसी ने बंद कर दिया, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि वो खिड़की अगर आप धक्का मार के खोल दें और आप चले जाए उसके बाहर, समझ रहे हैं, तो वो मीन ऑफ एस्केप होगा और इसमें आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हैं, इसमें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई भी बचने का साधन है जो एक रीजनेबल या नॉर्मल प्रूडेंट मैन ले सकता है, तो आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं लगा सकते हैं। कुछ और केस देखिए, नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ, अगर आपको पता है कि आपको नॉलेज है आपको इम्प्रिजनमेंट किया गया है कि नहीं किया गया, तो उसपे देखिए केस है हेरिंग वर्सेस बॉयल का, इसमें बोला गया था हेल्ड एंड नॉलेज इज एसेंशियल, स्कूल मास्टर ने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर लिया था स्कूल बॉय को टू गो विथ हिज मदर अनलेस द मदर पेड द अमाउंट, क्योंकि उसने फीस पे नहीं करी थी स्कूल की, ठीक है, इट वॉज हेल्ड एट द रिफ्यूजल टू द मदर इन द बॉयज एबसेंस एंड विदाउट हिज बीइंग कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्ट्रेन कुड नॉट अमाउंट टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बच्चा बंद है खेल रहा है स्कूल में, उसे पता ही नहीं है कि इसको घर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, वो अपना बंद आराम से स्पोर्ट जो प्ले एरिया होता है स्कूल का वहां खेल रहा है, लेकिन उसको रिस्ट्रेन किया गया था कारण उसने फीस जमा नहीं करी थी, लेकिन उसकी नॉलेज में नहीं था, तो ये नहीं माना जाएगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि नॉलेज एंड एन असेंशियल। दूसरा केस है मीरिंग वर्सेस ग्राम वाइट एविएशन, द क्लेमेंट वाज आस्क्ड टू गो टू अ रूम विद टू वर्क पुलिसमैन फ्रॉम एविएशन कंपनी, ही आस्क्ड व्हाई एंड स्टेटेड विदाउट ही स्टेटेड ही वुड लीव इफ नॉट टोल्ड, व्हेन टोल्ड इट वाज ऑन सस्पिशन ऑफ थेफ्ट ही एग्रीड टू स्टे एंड वर्क, पुलिस स्टूड आउटसाइड अंटिल द मेट्रोपोलिटन पुलिस अरे अननोन टू हिम दे वर आस्क्ड टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम लीविंग, इट वाज हेल्ड दैट एन एक्ट व्हिच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट फॉर फॉल्स इंप्रिजनमेंट इवन इफ द क्लेमेंट इज अनअवेयर ऑफ इट एट द टाइम स्टिल काउंट्स, मीटिंग वॉज एंटाइटल्ड टू मीरिंग वॉज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस। इसमें जस्ट अपोजिट की नॉलेज हो ना हो, लेकिन अगर आपको रिस्ट्रेन किया गया है तो आप फॉल्स इंप्रिजनमेंट का केस ला सकते हैं। द टॉट ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट रिक्वायर्स दैट देयर मस्ट बी अनलॉफुल रिस्ट्रेनमेंट विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, इफ द डिटेंशन इज लॉफुल, अगर आपको कोई जेल में डाल देता है आपने क्राइम किया है, तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट है, ठीक है। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, पेटिशनर वाज एक्विटेड बाय द कोर्ट इन 1968 बट वाज रिलीज फ्रॉम जेल इन 1982 दैट इज आफ्टर 4 इयर्स, 14 इयर्स, 14 साल बाद उसे छोड़ा जाता, तो ये जो 14 साल था ये क्या था, फॉल्स इंप्रिजनमेंट था। दूसरा केस था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, द डिटेंशन वॉज अनजस्टिफाइड इन दिस केस, एमएलए ऑफ जेएनके जो पिटिशनर था वो एमएलए था जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वाज रॉन्गफुली डिटेन इन द बाय द पुलिस, तो ये हेल्ड रॉन्गफुली डिटेन ये वर्ड देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। रेमेडीज क्या क्या है, अगर आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो जाता है तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, एक्शन फॉर डैमेज, आप जो हुआ है उसके लिए डैमेज क्लेम कर सकते हैं। दूसरा सेल्फ हेल्प है, अगर आप खुद भाग सकते हैं बुला सकते हैं किसी को प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी एक रेमेडी है सेल्फ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की। तीसरा हैबियस कॉर्पस, आप रिट फाइल कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस की रिट का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, कि आपने मुझे अगर ये रिट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है कि भैया कहाँ है ये जो बॉडी है उसको प्रेजेंट किया जाए, ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस आई थी एडीएम जबलपुर वाले केस में, ठीक है। अगर तो आज हम ट्रेसपास टू पर्सन को यही खत्म करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें मेल कर दीजिए या हमें मैसेज कर दीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। थैंक यू।